बिग बॉस के वीकेंड के वार में सुम्बुल तौकीर खां के एविक्शन से पहले सुम्बुल पर लगा ये बड़ा आरोप। बिग बॉस ने कहा सुम्बुल को विक्टिम कार्ड प्ले करने का आरोप। तो इस वीडियो को ना पूरे एंड तक ज़रूर देखना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी का। दोस्तों, बिग बॉस के घर में सुम्बुल के एविक्शन से पहले सुम्बुल की जमकर क्लास लगी है। करण जौहर ने सुम्बुल पर आरोप लगाया है कि सुम्बुल तौकीर खां विक्टिम कार्ड प्ले कर रही थी। आखिर मंडली को किसने तोड़ा, ये भी आरोप है कि सुम्बुल की वजह से मंडली टूटी है। हालांकि इस पे शिव ने भी एग्री किया, लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं, सरासर बिग बॉस बायस्ड गेम खेल रहे हैं। बिग बॉस को पता है कि वो सुम्बुल को निकालना चाहते हैं, सुम्बुल को निकाला जाएगा, जिसके चलते ये आपने देखा होगा ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी कई बार हुआ है। अंकित गुप्ता वाले एपिसोड में भी ऐसा ही कुछ हुआ था और अब सुम्बुल पर भी यही आरोप लगाया जा रहा है कि पूरी की पूरी मंडली जो बिखरी है, टूटी है, उसमें जो सबसे बड़ा हाथ है वो रहा है सुम्बुल का। सुम्बुल की ही वजह से लोग नॉमिनेशन में आ गए, सुम्बुल की ही वजह से मंडली में दरार आ गई। वैसे मैं पर्सनली ये बात नहीं मानता हूँ कि ऐसा कुछ भी है, क्योंकि सुम्बुल तौकीर खां को तो ऑलरेडी एक षड्यंत्र के तहत बिग बॉस ने फंसाया था। बिग बॉस कोई भी इंडिविजुअल टास्क दे सकते थे, जो कि अब तक के पूरे सीजन में होता आ रहा है, लेकिन जब भी बिग बॉस को ऐसा कोई कांड करना होता है इंडिविजुअल कंटेस्टेंट का, तो बिग बॉस ऐसी प्लानिंग ज़रूर करते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर इंडिविजुअल गेम होता तो यहाँ पे अगर अर्चना, शालीन, सुम्बुल या फिर प्रियंका नॉमिनेट होते तो डेफिनेटली सुम्बुल वोटिंग लिस्ट से बाहर नहीं हो पाती है। इवन दो मैं आपको ये भी बोलूँ कि एक बार को ये जो मंडली की भी वोटिंग हुई है ना, उस वोटिंग में भी अनफेयर गेम खेला गया है, क्योंकि हर एक जगह पे सुम्बुल या तो फिर नंबर वन पे थी या तो नंबर टू पे थी, तीसरे पोजिशन पे तो बहुत ही रेयर ही देखा गया था। तो बिग बॉस ने यहाँ पे अनफेयर गेम तो ज़रूर खेला है कि जब सारे ही पोलिंग में सुम्बुल नंबर वन नंबर टू पे आ रही है तो उनका एविक्शन कैसे किया गया, एक सवाल ज़रूर उठता है। लेकिन करण जौहर ने सुम्बुल पे कई सारे आरोप लगाए और सुम्बुल ने डिफेंड किया कि हाँ, मैं मानती हूँ कि टास्क की वजह से मेरी गलती हुई है, और सुम्बुल तौकीर खां ये ब्लेम खुद पे लेने को तैयार थी। तो जाहिर सी बात है सुम्बुल ने कोई भी विक्टिम कार्ड प्ले नहीं किया है, जो कि बिग बॉस ने लगाया था ये बड़ा आरोप। आपको क्या लगता है, एज एन फैन आप क्या मानते हो कि वाकई सुम्बुल ने विक्टिम कार्ड खेला था, या आप मानते हो कि सुम्बुल ऐसा कुछ नहीं कर सकती है? सुम्बुल को तो खुद ब खुद बिग बॉस ने एक षड्यंत्र के तहत फंसा के घर से बेघर किया। लिखिएगा ज़रूर अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में, और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।